This is week 3, day 2, Tuesday, 26 January 2021. This is your science lecture. We are going to start unit number 10, Forces. Today we are going to start your chapter Forces. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे mass और weight and the difference between them. Forces. यह आपको picture दिख रही है. Who is he? He is Newton. Who discovered the forces as well as the motion law. Forces and machines are all about motions, and when it comes to motion, we have to speak to Isaac Newton. Newton lived in England about 350 years ago. He is famous for his laws of motion. You are sure to study there in coming years. Hello Mr. Newton. न्यूटन जो है इनका नाम लिया जाता है जब भी हम बात करते हैं मोशन की. तकरीबन 350 साल पहले ये पैदा हुए. इन्होंने अपना काम किया और बहुत ग्रेट इनकी इन्वेंशंस हैं अबाउट द वेट ग्रेविटी एंड लॉज ऑफ मोशन. सो व्हाट इज मास एंड वेट. मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. मास क्या होता है? क्वांटिटी होती है या अमाउंट होती है, मकदार होती है मैटर की जो किसी भी बॉडी में मौजूद होता है. इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम. इसे हम किलोग्राम में मेजर करते हैं. On Earth, the mass of an object is the same as its weight, but that does not mean that these two are always the same. जब हम ज़मीन पे होते हैं, तो हमारा mass और हमारा weight एक जैसा होता है, लेकिन ये हमेशा हर जगह के लिए नहीं हो सकता. If an object goes into space, its weight changes. जब हम ज़मीन से बाहर जाते हैं space में, तो हमारा जो weight होता है, वो change हो जाता है. Do you know why? आपको पता है कि क्यों ऐसा होता है? It changes because of gravity. ग्रेविटी की वजह से चेंज होता है. डज इट्स मास चेंज? क्या इसका मास चेंज होगा? नो, बिकॉज एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस स्टिल हैज जस्ट एज मच मैटर इनसाइड इट एज इट डज ऑन अर्थ. सो इट्स मास रिमेंस द सेम. सपोज आपके पास आप खाना साथ में लेके जा रहे हैं स्पेस पे, तो डिफरेंट किस्म के फूड्स लेके जा जाते हैं, या अपना ज्योमेट्री बॉक्स या अपने कपड़े लेके गए हैं, तो वो जितनी उनके अंदर क्वांटिटी थी मैटर की, यानी वो जितनी उनकी लेंथ थी या हाइट थी, वो उतनी ही रहेगी. वो वहां जाकर भी चेंज नहीं हो रही होगी. ठीक है, तो मास चेंज नहीं हो रहा होता. एक किलोग्राम में तब भी 1000 ग्राम ही होंगे, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा. वेट क्योंकि डिपेंड करता है ग्रेविटी पे. वेट क्या होता है कि आपकी जो अर्थ है वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रही है उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए. तो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्थ के पास होती है. द फर्दर अवे एन ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द अर्थ, द लोअर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट. जब हम अर्थ से बाहर निकल जाते हैं, तो ग्रेविटी की जो फोर्स होती है वो कम हो जाती है. दिस मीन्स दैट इट्स वेट डिक्रीज. इसका मतलब उसका वेट कम हो जाता है. वेट उतना होता है जितना फोर्स अप्लाई कर रही होती है अर्थ. तो अर्थ जब कमजोर पड़ जाएगी, तो वो कम मिकदार अप्लाई करेगी. ठीक है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम हो जाएगा, तो उसका वेट कम होगा, नॉट इट्स मास. सिंस देयर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन स्पेस, एन ऑब्जेक्ट हैज नो वेट एट ऑल. अगर हम स्पेस में गए हैं, वहां पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसका मतलब है वेट जीरो हो जाएगा. ठीक है, यू मस्ट हैव सीन पिक्चर्स ऑफ एस्ट्रोनॉट्स फ्लोटिंग इन स्पेस और इन देयर स्पेसक्राफ्ट ड्यू टू वेटलेसनेस. वहां पे प्रॉब्लम ही क्या होती है, आप वॉक नहीं कर सकते. हमने जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी, तब भी हमने ये बात डिस्कस की थी. लास्ट में हम आप रिवाइज कर रहे हैं कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो क्या होगा, हम जमीन पे चल भी नहीं सकते. तो यही होता है स्पेस में. जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू वॉक. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो वेट. व्हाई देयर इज नो वेट? बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी. वेट कैन बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. इसका मतलब वो वेट क्या होता है? फोर्स होती है. कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स. वो कितनी है? वो उसका वेट होगा. इट इज मेजर्ड इन न्यूटन. द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जस्ट हिट दिस क्रिकेट बॉल सो फार इट हैज फ्लोन इनटू स्पेस. इट हैज नॉट चेंज इट्स मास बिकॉज इट स्टिल हैज एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड इट एज इट डिड ऑन अर्थ. अगर जो है ना क्रिकेट की बॉल को इतना हिट किया कि वो स्पेस में चली गई, तो वो जितना ही मिकदार में उसके अंदर मौजूद था कॉर्क, उतना ही रहेगा. इट विल नॉट चेंज. ओके, बट ग्रेविटी जो है उसकी वो खत्म हो जाएगी. एन ऑब्जेक्ट वे मोर एट सी लेवल विच इज क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ देन एट द टॉप ऑफ द माउंटेन. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, क्या होता है? वेट कम होता जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो रही होती है. और अगर हम सी लेवल पर हैं, तो सी क्या होता है? समुद्र जो है वो आपके अर्थ के सेंटर से बहुत